हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आने का। दोस्तों, जो है मैं आपका दोस्त संजय पासी और आज हमारे साथ हैं पवन जी। और सर, आप कहाँ से हैं? सर, मैं राजस्थान बीकानेर से। सर, हमारे यहाँ राजस्थान बीकानेर से आए हुए हैं। तो दोस्तों, जो है आज मैं फ्रेश रिजल्ट 2 सिस्टम लेकर के आया हूँ ग्राउंड पे डेमो देने के लिए कि सर को जो है कैसे ऑपरेट करना है फ्रेश रिजल्ट 2 सिस्टम वाटर डिटेक्टर। तो सबसे पहले नमस्कार सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आने का। और पवन जी जी, तो दोस्तों जो है पवन जी जो है हमारे ट्रेनिंग देंगे वाटर डिटेक्टर का। तो पवन जी कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, ये हमारे कस्टमर हैं जो राजस्थान से आए हैं बीकानेर से, और ये हमसे आज लेने जा रहे हैं GR का फ्रेश रिजल्ट 2 सिस्टम। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मशीन का आज हम लाइव डेमो के लिए फील्ड पर आए हुए हैं, और सर ने इस मशीन को सर्च करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में अदर स्टेट में भी ट्राई किया, बट इनको हमारी मशीनों पर, हमारी कंपनी पर एक अच्छा फेथ मिला, तो उसकी वजह से इन्होंने हमारे पास इसकी बुकिंग करवाई और आज ये मशीन रिसीव करने चाह रहे हैं। तो अब हम कुछ शब्द सर से भी सुनना चाहेंगे। बताने सर, धन्यवाद सर। मैं आज राजस्थान बीकानेर से यहाँ पवन जी के पास में ये GR फ्रेश रिजल्ट 2 मशीन लेने के लिए आया हूँ। मैंने रिसर्च सब जगह कर लिया था और ऑल ओवर इंडिया रिसर्च करने के बाद में मेरा विश्वास इस लूप टेक्नोलॉजी सिस्टम में टिका, और इसलिए मैंने आज फ्रेश रिजल्ट 2 रिसीव करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमारे ऊपर इतना विश्वास रखा। और हमारा भी दोस्तों आपसे वादा रहता है कि हम आपको जो भी प्रोडक्ट देंगे 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा। और दोस्तों, मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, कोई भी मशीन लेने जाते हैं, क्योंकि हाईली कॉस्टली मशीनें हैं दोस्तों, तो आप भी जहाँ से मशीन परचेज़ करें तो प्लीज़ आप सिर्फ उसी कंपनी से परचेज़ कीजिए जिसका खुद का एक बैकग्राउंड हो, क्योंकि आजकल मार्केट में आप समझते हैं काफ़ी धोखा है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कोई पीछे से कंपनी बैकग्राउंड नहीं है, बट सिर्फ सेल्स एंड परचेज कि उन्होंने परचेज किया आपको दे देंगे, बट दोस्तों इनमें अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है या कोई वारंटी गारंटी कवर करनी होती है, उसके लिए आपको एक ऐसी कंपनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस समय जब आपकी कोई वारंटी कवर करवानी होती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप परचेज़ करने से पहले एक बार कंपनी का पूरा बैकग्राउंड देखिए कि कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। और मेरी कंपनी लूप टेक्नो सिस्टम को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं वाटर डिटेक्टर और मेटल डिटेक्टर की फील्ड में। एक हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है और ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स में मेरी सप्लाई मोस्टली जा चुकी है, और मोस्टली वी आर डीलिंग इन टेंडर्स एंड गवर्नमेंट टेंडर्स। तो हम मोस्टली बड़ी मशीनों में डील ज़्यादा करते हैं, तो हमारे पास सभी रेंज की मशीनें होती हैं। अगर आप कोई भी मशीन लेना चाहते हैं तो हमारे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड होती है और लाइव डेमो ट्रेनिंग हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और मेरे पास जो वाटर डिटेक्टर्स की टेक्निकल टीम है उसमें कुछ जियोलॉजिस्ट हैं, कुछ सीनियर पर्सन भी हैं, जिनसे हम आपकी हेल्प भी लेते हैं कि अगर कल को आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है ऑपरेटिंग में या किसी तरह से, तो आपको इस तरीके की पूरी सपोर्ट हमारी कंपनी लूप टेक्नो की तरफ से मिलती है। अब आइए देखते हैं अब इसे ऑपरेट कैसे किया जाता है, आगे मैनुअल कैसे रहता है। दोस्तों, जो है जब तक हम असेंबल कर रहे हैं लॉन्ग रेंज लोकेटर को, तो तब तक दोस्तों जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों जो है साथ साथ हमारी वीडियो को आप शेयर भी करिए जिन लोगों को वाटर डिटेक्टर मशीन परचेज करना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं हमने फ्रेश रिजल्ट का लॉन्ग रेंज जो लोकेटर है उसे असेंबल कर दिया है। आप देख पा रहे हैं इजीली कि कौन सा आपका जो कनेक्टिविटी एंटीना है कहाँ कनेक्ट होना है, ठीक है। ये ग्रिपिंग वगैरह है, यहाँ ये इसका ऑन ऑफ का स्विच रहता है, इसको हम थोड़ा टाइट कर लेते हैं, ये प्ले कर रहा है, फुल टाइट होना, हाँ, ताकि ये प्ले ना करें। ये यहाँ से अपना ऑन ऑफ का स्विच है, जो तो आप देख पा रहे होंगे इसमें फ्रेश रिजल्ट 2 सिस्टम लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, हिंदी नहीं, इंग्लिश, जर्मनी, फ्रेंच और अरबिक। हमें इंग्लिश ही समझ आती है हमारी लैंग्वेज, तो हमें इसे इंग्लिश पे ले जा करके ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इसमें टाइप ऑफ वाटर सेलेक्ट करना होता है, फ्रेश वाटर और नेचुरल वाटर। तो आप
नेचुरल या फ्रेश जो सा भी वाटर आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसे सर्च कर लेंगे। ये आ जाती है इसकी रेंज, ये फ्रंट रेंज रहती है, डेप्थ इसकी 1200 मीटर रहती है, फ्रंट रेंज जो रहती है इसकी 2000 स्क्वायर मीटर तक रहती है। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू अपनी यूज, जैसे मान लीजिए 1000, 1500, 2000 है, हम मान लीजिए या कम्युनिटी जैसे 500 मीटर पर सिलेक्ट करते हैं। ये बाहर की रेंज, हाँ ये फ्रंट रेंज रहती है, डेप्थ इसकी 1200 मीटर फिक्स होती है। अब हमें क्या करना है, इसे हम ऑन कर देते हैं। अब ये सर्चिंग का मोड पे आ गई है, आप देख रहे हैं बीप की साउंड आ रही होगी, ये वर्किंग के लिए बिल्कुल रेडी। लॉन्ग रेंज लोकेटर के लिए सबसे पहले हमें ये वाला एंटीना को ओपन कर लेते हैं, और मेन ये रहता है इस मशीन में आपकी ग्रिपिंग, कि आप जो पकड़ के चलते हैं उसका बिल्कुल हैंडल आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब राइट लेफ्ट खुद से प्ले नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि ये मशीन ये हाथ का ही, हाँ हाथ का ही है इसमें। इसमें आपको शुरू में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद आप इजीली से ऑपरेट कर सकते हो। इस तरीके से लेने के बाद हम इस मशीन को, ये हमने बिल्कुल ग्रिप पकड़ लिया, ग्रिप पकड़ने के बाद ये आप सपोर्ट के लिए उंगली इधर लगा सकते हैं, बट यहाँ नहीं टच करनी आपको, ठीक है, यहाँ लगा लिया इस तरीके से। ये हम इसे लॉन्ग सेंसर को खोल लेते हैं, खोलने के बाद इजीली हम इसे ले करके स्ट्रेट आगे चलते हैं, पूरा नॉर्थ टू साउथ। हमें बिल्कुल धीरे धीरे कदम से, मशीन खुद ना हिले, इस तरीके से हमें आगे आगे चलना होता है। ये इस पॉइंट पे आने के बाद रोटेट कर गया है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई भी ये निशान के लिए, मान लीजिए ये पत्थर को हम यहाँ रख देते हैं, वापस हम देखते हैं कि ये हमारा रोटेशन उसी जगह पर ले रहा है या नहीं ले रहा है। एंटीने को सीधा करते हुए सेम एग्जैक्ट उस जगह पे आने के बाद ये रोटेट कर जा रहा है, मतलब कि उस डायरेक्शन से हमारा ये पहला पॉइंट हमें मिलता है। अब हम मान लीजिए हमें और पॉइंट लेने हैं, तो हम स्ट्रेट उसी दिशा में आगे जा सकते हैं, हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम इसी पॉइंट को वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा पॉइंट एग्जैक्ट है भी या नहीं, तो अब हमारा मेथड ये रहता है कि हम इस पॉइंट को चारों दिशाओं से, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं से ही हम इसे क्रॉस करते हैं। ये इसी पॉइंट के ऊपर आने के बाद हमें रोटेट कर रहा है, ये हमारा दूसरा साइड से बन रहा है। एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके हमें रोटेट कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम स्ट्रेट चल रहे हैं इसको लॉन्ग रेंज लोकेटर को लेकर के, जब ये रोटेट करता है, रोटेट का मीन्स ये रहता है कि हम उस पॉइंट को छोड़ के आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये उस सूरत में हमें रोटेट करके उस डायरेक्शन को बताता है कि आपका घूमो बोले अपना पॉइंट, आपका पॉइंट ये आ गया है। जब हम उसे ओवर कर जाएंगे, उस पॉइंट को छोड़ देंगे, निकल जाएंगे, तो ये रोटेट कर जाएगा। हमारी तीन जगहों से हमें कम्प्लीट हो चुका है कि एग्जैक्ट यही पॉइंट आ रहा है। चौथी डायरेक्शन से हम फिर इसे रिकन्फर्म कर लेते हैं, बिल्कुल ठहरे हुए कदमों से, आराम से। अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये अपने आप मशीन ऑपरेट हो रहा है, ना तो हवा चल रही है ना और कुछ है, तो इट मीन्स ये हमें जो लोकेशन मिला है, ये पॉइंट एग्जैक्ट हमारा वो पॉइंट आ जाता है जिसमें हमें वाटर का फर्स्ट पॉइंट हमें सोर्सेज मिल गया है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ रोटेशन ले रहा है नहीं ले रहा है, वो डेप्थ कंफर्म करने के लिए वाटर की। आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे और जो ये एंटीना है इसे आप बंद कर देंगे, और आप इसे इजीली
ऐसा कितनी देर तक देखा जा सकता है? इसमें आपको क्या होता है, इसमें ये नहीं है कि कितनी देर तक है या कितना होना है, हमें बेसिकली ये देखना होता है कि ये रोटेशन जो है क्लॉक वाइज घूमता रहे। जैसे सेकंड की सुई होती है हमारी घड़ी के अंदर, वो घूमती ही रहती है, रुकती नहीं है। सेम इस मशीन का रहता है कि आपका ये रोटेशन पूरा करना चाहिए, रोटेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए कि यहाँ गया फिर वापस आ गया, वो नहीं माना जाता है। आपका रोटेशन रहना चाहिए कि रोटेट होता रहे, पूरा रोटेट होए, कि कितनी देर में हो रहा उससे कोई नहीं है, आपका रोटेट होना चाहिए। आप इसको दोबारा कन्फर्म करने के लिए लगभग इस हाइट पर वापस इसे ले करके आप इसकी रोटेशन को फिर से चेक कर सकते हैं। ये आपका पॉइंट बिल्कुल कंफर्म हो रहा है, जैसे ये रोटेशन पूरा प्रॉपर ले रही है मशीन, इट मीन्स आपको यहाँ पॉइंट कंफर्म है जो ये पॉइंट निकला है। तो इस तरीके से ये आपको पॉइंट मिल जाता है एग्जैक्ट ड्रिलिंग का। आप यहाँ पर ड्रिलिंग करते हैं तो यहाँ आपको कंफर्म वाटर मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। अब आ जाते हैं दोस्तों कि फ्रेश रिजल्ट वन से आप डेप्थ को कैसे निकाल पाते हैं, कि डेप्थ कैसे निकाली जाती है। कुछ कस्टमरों का ये रिक्वायरमेंट रहता है कि सर इससे डेप्थ नहीं निकलती है, ऐसा नहीं है, आप डेप्थ की कैलकुलेशन इससे भी कर सकते हैं। कोई अच्छा ट्रेनिंग देने वाला आपको बिल्कुल बताएगा कि आपको किस तरीके से डेप्थ की निकाला जाता है। अब जैसे कि हमारा ये पोजिशन है, इस पोजिशन से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दो डायरेक्शन, संजय एक बार स्टॉप कर दो ये वाला, दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं हमारा लॉन्ग रेंज लोकेटर से लोकेशन भी मिल गया है और लॉन्ग रेंज का हमारा सिस्टम का काम ओवर हो गया है। अब हमने सेम उसी पॉइंट को जियो फिजिकल सिस्टम को लगा करके हम वहाँ की डेप्थ वगैरह का पूरा डिटेल ले रहे हैं। हमने जियो फिजिकल पर जाते हैं और इसे हम ओके करते हैं। अब ये हमें डाटा वहाँ के उस पॉइंट का कलेक्ट करके दे रही है। ये अब मशीन ऑटोमेटिक है तो अपने आप ही सारी चीज़ कलेक्ट करके आपको बता देगी। आप देख रहे हैं रोप वन से रोप टू को स्कैन कर लिया, रोप टू से रोप थ्री का कर रही है अब ये।
आपको दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है जो रॉप का डिस्टेंस है वो आपका इक्वल रहेगा, इसमें रॉप डिस्टेंस चेंज नहीं होंगे। ये नहीं कि आपने एक को 5 पे लगाया तो दूसरे को 7 पे लगाएंगे, आपको चारों को इक्वल पे लगाना है। अगर ये 5 मीटर पे लगा है तो येलो भी 5 मीटर लगेगा, ग्रीन भी 5 मीटर लगेगा और ब्लैक भी। इसी तरह से पांच इसके एंटीने को निकालने की जरूरत रहती है? नहीं, इसको अब हमें जरूरत नहीं है, वो स्कैनिंग के टाइम पे है। अगर ये वैसे सेंसर यहाँ तो कैच कर रहा होगा, कहीं पर नहीं कर रहा होता तब आपको निकालना होता है इसको, क्योंकि यहाँ तो आपका पानी काफी अवेलेबल है। ये देखिए इसमें ये जो दिखा रहा है हमें वाटर का जो अपना रिजल्ट आया है, वाटर डेंसिटी जो है 57% में आ रही है, वाटर सॉल्टनेस जो है 4419 ppm आ रहा है। फ्यू डाटा का मतलब है कि इसने डाटा हमें कलेक्ट नहीं किया है कि जमीन गीली होने की वजह से, तो इसलिए जहां पर कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यू डाटा दिखाई दे। फ्यू डाटा आपको उन जगहों पर ही दिखाई देगा जहां पर जमीन गीली होगी या फिर आपकी मशीन कनेक्टिविटी सही नहीं हुई होगी, तो उस जगह पे आपको ये दोबारा करना होता है, अदरवाइज आपको ये डाटा पूरा कनेक्ट करके दिखाता है। जैसे कभी बारिश हो जाती है ना, मिट्टी गीली रहती है, जैसे ही हम जो है फ्यू डाटा ही दिखाई गीली है, तो इस वजह से यहाँ फ्यू डाटा है।